महाराज जी, क्या इंसानों के शरीर में भगवान आता है क्या? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम, देखो पहले तो भगवान की, भगवान आता है क्या और भगवान है क्या, ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। जब किसी के अंग में भगवान आएगा वो हमें बताएगा, हमने तो देखा है हमारे गुरु ने 24 साल तपस्या की, जिन्होंने नदी के तट के बैठ के भगवान के लिए भजन गाए। तो मेरे गुरु को मैंने पूछा, गुरुदेव आपने तो इतने साल तपस्या की है, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? तो गुरुजी ने कहा 24 साल से तपस्या कर रहा हूँ बेटा, लेकिन सपने में भी भगवान नहीं आते हैं। तो मैं बोला, गुरुजी ये तो व्यर्थ हो गए आपकी तपस्या। नहीं बेटा, बोले सफल हो गया, मेरे सपनों में भगवान नहीं आए, लेकिन मुझे ये पता चला कि भगवान इंसान में होता है, कहीं और से नहीं आता है, बस अपने भाव में प्रकट करने वाला कोई है, वही भगवान है। अपने आप को समझना, यही भगवान का तत्व है। मैं खुद ही सब कुछ हूँ और मैं शून्य भी हूँ, मैं अनंत भी हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि भगवान कहीं और नहीं है, खुद के अंदर में ही है, बस उस तक पहुँचने के लिए जब तप करना पड़ता है। तो जो भगवान अंग में आता है, कतई किसी के अंग में भगवान आता नहीं है, अगर आता है तो मैं इसको पाखंड और मिथ्या कहता हूँ। जय श्री राम।